वेलकम। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा वो है बेसिक कमांड्स का, बेसिक नेविगेशन कमांड का। ओके, तो सबसे पहला जो कमांड आता है वो हमारा पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या करता है? पीडब्ल्यूडी हमें बताता है कि हम प्रेजेंटली कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स से पीडब्ल्यूडी देख सकते हैं। अभी हम क्या है, होम काली स्लैश डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट डायरेक्टरी बताता है हमारा। एंड द नेक्स्ट कमांड है हमारा सीडी। सीडी क्या करता है, चेंज कर सकता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, चेंज करने का काम आता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। लेट्स से मैं हूँ डॉक्यूमेंट्स में, मैं जाना चाहता हूँ डाउनलोड्स में, तो मैं क्या करूँगा, सीडी स्लैश डाउनलोड्स होम स्लैश काली स्लैश डाउनलोड्स, तो मैं आ गया डाउनलोड्स में। ओके, अब मैं चाहता हूँ एक डायरेक्टरी बैक जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप या फिर उसके लिए आप ये कमांड लिख सकते हैं, एक कुछ ऐसे कर सकते हैं। मैं आ गया एक डायरेक्टरी बैक, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं पीडब्ल्यूडी लिख सकता हूँ। देख सकते हैं मैं होम स्लैश काली के अंदर आ चुका हूँ। या फिर आप ये कर सकते हैं, मैं वापस से डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और मैं आप ये कर सकते हैं डबल डॉट सीडी डबल डॉट, ये क्या करता है एक डायरेक्टरी बैक ले जाता है हमें। देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए पीडब्ल्यूडी होम स्लैश काली। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड होने वाली है वो है ls। ls क्या करता है, लिस्ट डाउन कर देता है ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी, फाइल्स एंड द फोल्डर्स इन द करंट डायरेक्टरी। ओके, तो चलिए यूज करते हैं ls का। सबसे पहले डाउनलोड्स में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारी कुछ फाइल्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो लेट्स से ls, देख सकते हैं ls करने पर सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो लिस्ट डाउन हो गई हैं। ठीक है, तो ls लिस्ट करता है। ठीक है, तो ls के साथ हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ls हाइफन l, जो क्या करता है लिस्ट करता है सभी फाइल्स को विद द परमिशन ओनर साइज एक्सेट्रा। ठीक है, देख लेते हैं क्या करता है ls हाइफन a, सॉरी l। देख सकते हैं ये परमिशंस हैं, ओनर हैं, डेट हैं एंड ये फाइल के नाम है। ठीक है, तो हाइफन l से हम ये कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वह ए है। ये क्या करता है, अगर हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई हिडन फाइल है ना और वो लिस्ट डाउन नहीं हो रही है ls से, तो हम उसे फोर्सफुली लिस्ट करवा सकते हैं हाइफन ए के थ्रू। तो लेट्स से ls हाइफन ए, तो इसमें अगर कोई हिडन फाइल होती तो वो लिस्ट डाउन हो जाती, वो भी दिख जाती। ओके, एंड देन नेक्स्ट कमांड है हमारा हाइफन l h। ये क्या करता है, जितनी फाइल्स है ना उनकी जो साइज है ना उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, लाइक ls हाइफन l h। तो देख सकते हैं इसमें टोटल हमारा 2.9 GB डाउनलोड्स के अंदर 2.9 GB की फाइल्स हैं और ये रही उनकी साइज। ठीक है, तो ये जो फाइल है उसकी साइज 607 KB है। ठीक है, इसकी 30K है, सॉरी KB नहीं K है। और यहाँ पे एक 2 GB की फाइल भी पड़ी है, ये रही DMCP कॉम्पैक्ट अर्ली एक्सेस, ये पड़ा है 2 GB का फाइल। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड जो कि है MKDIR। ये क्यों यूज़ होता है, अगर हमें कोई नई डायरेक्टरी बनानी है ना तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेट्स से मुझे कोई नई डायरेक्टरी बनानी है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लिया, MKDIR मैं बनाता हूँ डेमो। तो इससे क्या हुआ, एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया डेमो के नाम से। लेट्स से मैं उसे लिस्ट आउट कर लेता हूँ ls, लेट्स सर्च फॉर द डेमो। डेमो 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 कहाँ है,
ये देख सकते हैं आप डेमो नाम की जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुकी है। लेट्स से मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, सीडी डेमो, तो मैं डेमो के अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि मुझे इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ rm का। ठीक है, rm के बाद अगर मैं फाइल नेम देता हूँ तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। अगर मुझे पूरी डायरेक्टरी को ही रिमूव करना है तो rm के साथ मैं एक आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकता हूँ r-r, और फिर डायरेक्टरी का नाम दे सकता हूँ, उससे क्या होगा जो डायरेक्टरी है ना वो डिलीट हो जाएगी। ओके, तो लेट्स से मुझे इस डायरेक्टरी को क्रिएट करने के बाद अब डिलीट भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं फ़ाइल को भी डिलीट करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं बोलता हूँ टच, टच क्या करता है, फाइल क्रिएट करने का काम आता है। लेट्स से मैं demo.txt क्रिएट कर लेता हूँ ls, तो ये देख सकते हैं demo.txt जो है क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ रीड करना इस फाइल को demo.txt, तो ये इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं इसमें कुछ कंटेंट, तो मैंने क्या किया है, मैंने डेमो वाली फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट इनपुट कर दिया। ठीक है, लेट्स से मुझे इसे रीड करना है, तो मैं demo.txt बोल सकता हूँ, और देख सकते हैं इसके अंदर ये टेक्स्ट आ रहे हैं, दिस इज डेमो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या कमांड होती है, rm का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, rm demo.txt। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि demo.txt जो फाइल थी वो रिमूव हुई या नहीं। तो ls, तो जो हमारी डेमो वाली डायरेक्टरी है वो एकदम ब्लैंक हो चुकी है, उसमें से हमने रिमूव कर दिया सक्सेसफुली demo.txt को। उसके बाद हमारा आता है, हम चाहते हैं कि जो हमने ये डेमो वाली डायरेक्टरी बनाई है ना, इसको भी रिमूव करना चाहते हैं, डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं, क्योंकि हमें डेमो वाली डायरेक्टरी को ही रिमूव करना है। तो एक डायरेक्टरी बैक आ गए, ls करते हैं, इसके अंदर हमारी डेमो वाली डायरेक्टरी भरी हुई है कुछ यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, rm के साथ एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं hyphen r, अब बोलते हैं डेमो। इसने क्या किया होगा, जो हमारी डेमो वाली डायरेक्टरी थी ना उसको रिमूव कर दिया होगा। तो अब हम ls करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, ls, तो देख सकते हैं यहाँ से जो डायरेक्टरी थी वो रिमूव हो चुकी है। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, डायरेक्टरी को हम रिमूव कर चुके हैं सक्सेसफुली, और हमने फाइल क्रिएट भी करना सीखा, उसको रीड करना सीखा। रीड कैसे करते हैं, कैट कमांड से, और हमें क्रिएट करना हो तो हम टच कमांड का यूज़ करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।